दोस्तों हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में डिप्लोमा फार्मेसी के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया था और जिन बच्चों का एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, उन बच्चों के लिए दूसरी काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। दूसरी काउंसलिंग डायरेक्ट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे ये डायरेक्ट लिंक है https://techadmissionshry.gov.in/। तो ये डायरेक्ट आपके पास लिंक है जिसको मैं वहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप अपनी डायरेक्ट काउंसलिंग कर सकते हैं क्लिक करके इसके ऊपर। तो ये आपके पास बेसिक प्रोसीजर रहने वाला है डिप्लोमा फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए कि जिनका एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाया था तो वो सेकंड काउंसलिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। जैसे आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएं तो वहाँ पे टाइप करें techadmissionshry.gov.in, तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन रहने वाली है। जो इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आए तो वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है डिप्लोमा फार्मेसी। डिप्लोमा फार्मेसी पे क्लिक करें, इसके बाद नीचे आपका इसके नीचे रोल नंबर आएगा, उसमें टाइप करें DP, कैपिटल D कैपिटल P, और वहाँ पे अपना जो रोल नंबर है यानी एप्लीकेशन नंबर है उसको लिखें। इसके बाद पासवर्ड सिलेक्शन करें और यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा डालें, फिर सबमिट कर दें। तो इस प्रकार का ये आपके सामने जो इंटरफेस है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं वहाँ पे कि किस तरह से आप DP लिखेंगे, और ये सब आपका बेसिक प्रोसीजर रहने वाला है। नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगी, जब ये सब कर लेंगे तो सबमिट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप सबमिट करेंगे तो सबमिट के बाद आपका स्टेटस कम्प्लीटली इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस प्रकार की स्क्रीन पे जब आएगा तो नीचे आपको बॉटम फेज में जाना है। जो बॉटम फेज है वो आपके सामने इस प्रकार का रहने वाला है। तो वहाँ पे आपको अगर ये सभी चीज़ें ठीक हैं तो आपको करना है आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट, कि एक्सेप्ट करता हूँ बाई पार्टिसिपेशन इन सेकेंड काउंसलिंग, कि सेकेंड काउंसलिंग में मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ बेसिक, यहाँ पे क्लिक करें, और इसके बाद जाएं एक्सेप्ट पार्टिसिपेशन एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, यहाँ पे लिखा रहेगा डिप्लोमा फार्मेसी काउंसलिंग नंबर सेकंड, और ये कंप्लीट आपका स्टेटस आएगा नीचे, वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है फिल एंड मॉडिफाई चॉइसेस पे। जब आप जाएंगे तो आपके सामने स्क्रीन इस प्रकार की रहने वाली है। इस प्रकार की जो स्क्रीन आएगी उसके ऊपर आपको कॉलेज अपने सिलेक्शन करने हैं कि जौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, या प्रीवियसली, क्योंकि आपके प्रीवियस जो आपने चॉइसेस फिल्ड की थी वो यहाँ पे आपको शो करेगा। आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मूव अप एंड डाउन, ये लिखा हुआ है मूव और अप और या डाउन, तो इस प्रकार से आप क्लिक कर सकते हैं, या डिस्प्ले चॉइस करके जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, या इन सभी को यहाँ से डिलीट करें और नए कुछ कॉलेजेस जो हैं उनके लिए चॉइस आप फिल कर सकते हैं। तो ये सेकंड काउंसलिंग आपके सामने रहने वाली है। फिर इसके बाद जब फिल चॉइसेस कंप्लीट कर लें तो आप यहाँ पे इसको लॉक कर दें, डिस्प्ले लॉक फील्ड चॉइसेस को कंप्लीट लॉक कर दें। लॉक करने के बाद आप वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने यहाँ पे अपना जो काउंसलिंग फीस है और साथ ही में जिनकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहाँ से अपने स्टेटस में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों का पहले में किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, दूसरे में चेंज करना चाहते हैं, और जिन बच्चों ने टोकन फीस पे कर दी थी पहले में, तो वो टोकन फीस आपको दोबारा से फिल नहीं करनी है। तो ये बेसिक प्रोसीजर है सेकंड काउंसलिंग का। तो थैंक यू दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी लॉक कर सकते हैं जैसा आपके सामने स्क्रीन पे है। तो लॉक करने के बाद आप इसको कंप्लीट लॉक कर दें, फिल कर दें। थैंक यू दोस्तों।